अब शायद पावर स्टार पवन सिंह ने ठान लिया है कि खेसारी अगर डाल डाल रहेंगे तो वो पात पात रहेंगे। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह इससे पहले ऐसे कभी नहीं आए। उन्हें बहुत सारे एलिगेंस अक्षरा सिंह ने लगाए, तभी भी वो शांत रहे। भोजपुरी के कई कलाकार उन पर एलिगेंस लगाते रहे, तभी भी वो शांत रहे। लेकिन जब खेसारी लाल यादव ने हदें पार कर दी उन एलिगेंस की और इतनी बुरी बुरी तोहमतें लगाईं, और यहाँ तक कि पवन सिंह को ये तक कह दिया कि उनके घर में वो मर जाए तो भी सोहर नहीं बजेगा, ये मेरा दावा है, इस जिसके लिए खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री में हर एक जगह से कटाक्ष झेलना पड़ा। ऐसे में अब पवन सिंह ने भी ठान लिया है कि अगर खेसारी डाल डाल रहेंगे तो वो पात पात रहेंगे। खेसारी को उनके हर एक चीज़ का वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसलिए शायद सिद्धार्थ नगर वाले स्टेज शो को इतना यादगार पवन सिंह ने सिर्फ खेसारी लाल यादव को जवाब देने के लिए ही चुना था। आपको बता दें, सिद्धार्थ नगर वाला स्टेज शो हमेशा इसलिए खास है क्योंकि पिछले साल भी पवन सिंह, जब बहुत बड़ा विवाद हो गया था स्टेज शो वाला, जहाँ पर डिंपल सिंह ही उनके साथ थी पिछले साल, और वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि वो अपने लाइफ में 5 लोगों को छोड़ किसी को कुछ नहीं समझते। ये स्टेज शो आज भी पवन सिंह का सबसे सुपरहिट स्टेज शो है। इसके बाद जब उन्होंने स्टेज शो किया था तो सिद्धार्थ नगर का ही स्टेज शो किया था, और इस बार भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद पवन सिंह ने सिद्धार्थ नगर वाले स्टेज शो को ही चुना अपनी बातों को रखने के लिए। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो हमारे इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिल गई। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।